देखो, डबल इंजन की सरकार है, हर मामले को दबाने का काम किया है। बीजेपी ने भगवान बिरसा मुंडा की कार्यशाला, भगवान बिरसा मुंडा के नाम से कार्यशाला आयोजित की, लेकिन उनको मैं याद दिला दूं कि तुम सिर्फ राजनीति करने के लिए बिरसा मुंडा जी को आगे करते। बीजेपी उदयपुर संभाग, बांसवाड़ा संभाग में भगवान बिरसा मुंडा के नाम से एक प्रतिमा भी नहीं लगाई आज तक, क्योंकि बीजेपी के चबाने और दिखाने के दांत अलग हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रोत भारतीय आदिवासी पार्टी के स्थापना दिवस पर उदयपुर पहुंचे थे। राजकुमार रोत ने यहां पर दरियावद विधायक थावरचंद डामोर पर हुए हमले को लेकर उदयपुर कलेक्ट्रेट के पास अपने समर्थकों के साथ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में बीएपी पार्टी के कार्यकर्ता और आदिवासी समाज से जुड़े लोग वहां पर मौजूद रहे। राजकुमार रोत ने इस घटना को लेकर बीजेपी के आदिवासी नेताओं पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल विधायक थावरचंद डामोर पर हुए हमले को लेकर बाप पार्टी के लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। इसके साथ ही एक ऑडियो भी वायरल हुआ है और उसे लेकर भी राजकुमार रोत ने प्रशासन से कहा है कि इस ऑडियो में किसकी आवाज है, इसकी जांच कराई जाए, इसका पता लगाया जाए। और इसके साथ ही उन्होंने आरोपियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग की है। सांसद राजकुमार रोत ने उदयपुर के आईजी अजय लांबा को ज्ञापन देकर मामले की जांच करने और उचित न्याय दिलाने की मांग की है। इसके साथ इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए राजकुमार रोत ने कहा कि बीजेपी सरकार के दौरान आदिवासी लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग आदिवासी समाज के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। मैंने अभी सुना है कि कोई वीडियो वायरल हो रहा है, बीजेपी का ऑडियो भी वायरल हो रहे हैं, वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, और पूरे देश लेवल पे इनकी स्थिति यही बनी हुई है। जिस तरह से ये लोगों को असली मुद्दों से भड़का के उन मौज मस्ती में लगे हुए हैं बीजेपी के नेता। हाँ, क्या मानते हैं सरकार है, डबल इंजन सरकार? देखो, डबल इंजन की सरकार है, हर मामले को दबाने का काम किया है। उस समय हमारे अमृत जी जो सलूम्बर विधायक थे, उनके साथ भी कुछ अनहोनी हुई ऐसा कुछ लोग बता रहे थे, लेकिन पूरा दबाने का काम किया गया है। और देश लेवल पे और विशेषकर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में बीजेपी सिर्फ लोगों को गुमराह करके, धर्म के रास्ते भटका के, और जो असली मुद्दे हैं उन मुद्दों को ख़त्म करने की पॉलिसी चला रही है। बीजेपी ने भगवान बिरसा मुंडा की कार्यशाला, भगवान बिरसा मुंडा के नाम से कार्यशाला आयोजित की, लेकिन उनको मैं याद दिला दूं कि तुम सिर्फ राजनीति करने के लिए बिरसा मुंडा जी को आगे कर रहे हो। बीजेपी उदयपुर संभाग, बांसवाड़ा संभाग में भगवान बिरसा मुंडा के नाम से एक प्रतिमा भी नहीं लगाई आज तक, और न ही भविष्य में लगाएगी। सिर्फ दिखावा है उनका। बिरसा मुंडा जी के नाम से आदिवासी क्षेत्र के अंदर जाने की उनकी एक रणनीति है, लेकिन जनता समझ ले चुकी है, क्योंकि बीजेपी के चबाने और दिखाने के दांत अलग हैं। उपचुनाव में क्या रहेगा आगे आने वाले दिनों में? उपचुनाव में हमारे संगठन के पदाधिकारी लोग तय करेंगे। जहां तक है, लगभग हम स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे, बाकी जो डिसीजन, फाइनल डिसीजन हमारे संगठन के जो लोग हैं पदाधिकारी वो लेंगे। जो सरकार विकास के नाम पर सत्ता में आई है, वो अब जातिवाद के नाम पर राजनीति कर रही है। राजकुमार रोत ने उदयपुर सांसद मन्नालाल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वह खुद भी आदिवासी नेता है, मगर उसके बावजूद वो आदिवासियों को भड़काने का काम कर रहे हैं। उन्होंने जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मंत्री आदिवासी समाज से आते हैं, मगर वो आदिवासी समाज की बात ही नहीं करते हैं। वो सिर्फ धर्म का चश्मा पहने हुए है और वे धर्म का प्रचार कर रहे हैं, जबकि उनको आदिवासी कल्याण की बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में कोख के बच्चे बिक रहे हैं। राजकुमार रोत यही नहीं रुके, उन्होंने डबल इंजन की सरकार पर भी कड़ा प्रहार किया। इस दौरान राजकुमार रोत ने कहा कि विकास, शिक्षा, चिकित्सा पर काम करना चाहिए, मगर ये सरकार सिर्फ और सिर्फ धर्म का प्रचार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।